नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी खंड से संबंधित 1 से लेकर 9 अगस्त 2020 तक की प्रमुख घटनाओं के भाग 1 को देखेंगे। आज के हमारे वीडियो की प्रमुख विषय सूची निम्नलिखित है। जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हुआ है, उनके विषय में जानेंगे। अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित कुछ खबरें आई हैं। इसके पश्चात है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन हुआ है, उसको देखेंगे। उसके बाद है कि 6 ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, मिनटमैन 3 मिसाइल, ध्रुवीय भालू पर एक रिपोर्ट आई है, विश्व लंग कैंसर दिवस 2020 तथा परिवार पहचान पत्र से संबंधित एक नई योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। इसके साथ ही अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बनकर तैयार हो गया है तथा इसने विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। ये सारी खबरों को आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो प्रथम खबर थी जॉन ह्यूम से संबंधित, तो प्रमुख बिंदु क्या है, तो हाल ही में इनका निधन 3 अगस्त 2020 को 83 वर्ष की आयु में हो गया है। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 3 प्रमुख शांति पुरस्कार, कौन कौन से थे, तो गांधी शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे तथा यह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें यह तीनों शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो आखिर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला क्यों था, तो उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया था, उन प्रयासों को उचित मान्यता प्रदान करने हेतु तो इन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अब ये है कि 1998 में उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए गुड फ्राइडे समझौता किया गया था जिसमें जॉन ह्यूम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके पश्चात देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन या इकरी ICRESTP पे एक खबर आई है। तो प्रारंभकर्ता इस मिशन के कौन थे, तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। एम अटल इनोवेशन मिशन ICRESTP क्या है, तो एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है। किसके लिए, तो यह स्टार्टअप्स के लिए एक कार्यक्रम है। इसमें सहयोग किसका किया गया है, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को वैश्विक विशेषज्ञता तथा अपेक्षित सहायता, चाहे वो आर्थिक हो, तकनीकी हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, वह सहायता प्रदान करना है। बाधवानी फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, तो इसके CEO कौन है, तो अजय केला और अध्यक्ष कौन है, तो रोमेश बाधवानी। अब हम नीति आयोग के विषय में जानते हैं, तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। वहीं इसके मुख्य कार्यकारी वर्तमान में अमिताभ कांत हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इज इन डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, यह क्या था, एक राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन था। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। इसका आयोजन किसने किया, तो CII और DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दोनों ने एक साथ मिलकर के इस सम्मेलन का उद्घाटन आयोजन किया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के कार्यस्थल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कि आखिर भारत के कार्यस्थल को किस प्रकार से उन्नत बनाया जा सके। CII के विषय में देखते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक इसके अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पे TV नरेंद्रन हैं, महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चात
हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक का आयोजन किया गया था। यह डिजिटल या आभासी सम्मेलन था। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रकाश जावड़ेकर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, यानी केंद्रीय मंत्री जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। अध्यक्षता किसने की थी? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या। तो ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो वह है रूस के पास। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में। 2020 में जो इसका सम्मेलन होगा उसका थीम है ब्रिक्स का, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, या ब्रिक्स सम्मेलन का थीम है 2020 के लिए। इसके बाद देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ITC ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें होगा क्या? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। किस प्रकार से? तो विपणन और तकनीकी सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बना करके उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो पहला है YSR चेउठा परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो 45 और 60 वर्ष की आयु की अल्पसंख्यक समूहों, जिनमें क्या होगा, तो SC ST और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं का समर्थन किया जाएगा। इसकी लॉन्च कब किया गया इसे? तो 12 अगस्त 2020 को इस योजना को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। इसके बाद YSR आसरा नामक एक दूसरी योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। इसकी लॉन्च तिथि कब है? तो सितंबर 2020 में, यानी आने वाले सितंबर में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। यद्यपि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष COVID-19 वायरस की चपेट में है तथा इसने शिक्षा व्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस परिस्थिति में दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से DNH और DD के केंद्र में, यानी दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासन के द्वारा एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। यह क्या करेगा? तो यह ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां शिक्षक लेक्चर दे सकते हैं। अपने लेक्चर के वीडियो पोस्ट इस एप्लीकेशन के माध्यम से छात्रों के मध्य शेयर कर सकते हैं तथा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए परीक्षण कर सकते हैं कि छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके शिक्षक उन छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं जो COVID-19 महामारी के बीच घर पर ही रहकर वर्तमान समय में पढ़ाई करने को बाध्य हैं। इसके पश्चात इस ऐप की भाषा क्या होगी? तो इसकी भाषा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी, इन 4 भाषाओं का समर्थन इस एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। तो उत्तराखंड में एक नवीन हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर की गई है। इसमें सहयोग किसे दिया गया है, किसका है? तो इसमें UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उत्तराखंड वन विभाग को सहयोग प्रदान किया है इस संरक्षण केंद्र को बनाने में। इसका डिज़ाइन किसने बनाया है? तो डच संरक्षण वास्तुकार है, तो एनी फिनस्ट्रा की देखरेख में इस संरक्षण केंद्र को बनाया जा रहा है। संरक्षण केंद्र में इस संरक्षण केंद्र से लोगों में हिम तेंदुआ के बारे में जागरूकता पैदा करने की उम्मीद है ताकि उनका संरक्षण किया जाए और उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसके बाद देखते हैं व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन।
प्रमुख बिंदु क्या है? तो 1 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे ने किशनगंज दिल्ली, बिहार किशनगंज नहीं, किशनगंज दिल्ली से जिरानिया त्रिपुरा तक एक नवीन एक्सप्रेस ट्रेन व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया है। यह क्या करेगी यह ट्रेन? तो यह छोटे व्यापारियों को कम समय में अपने कार्गो को स्थानांतरित या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में मदद करेगा। यह लागत प्रभावी होगा, यानी यह कॉस्ट इफिशियंट होगा, सुविधाजनक होगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन उपलब्ध करवाएगा। इस ट्रेन में कुल वैगन की संख्या कितनी होगी? तो 46 वैगन होंगे इसमें। इसका प्रकार क्या है? तो यह एक्सप्रेस सेवा होगी। इसके पश्चात देखते हैं कि एयरटेल एवं अमेजन की मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो यह क्या है कि SCA स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की घोषणा की गई है भारतीय एयरटेल और अमेजन वेब सर्विसेज के मध्य में। इसका उद्देश्य क्या है? तो बड़े उद्यमों और MSMEs या SMEs को क्लाउड समाधान का एक व्यापक सेट प्रदान करना है। इसके पश्चात देखते हैं मिनटमैन 3 मिसाइल, जिसका हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के द्वारा परीक्षण किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार का है? तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, या इसे ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यह हमला करने में सक्षम होती है। इसका पूरा नाम क्या है? तो LGM-30G मिनटमैन 3। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण बोइंग के द्वारा किया गया है। विशेषता क्या है? तो यह लंबी दूरी की ठोस ईंधन एकल या कई परंपरागत मतलब कि जो पारंपरिक रूप से जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है उनका, या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह एक 3 चरण वाला ICBM है। यद्यपि यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। वर्तमान समय में रूस की R-36 मिसाइल, जो कि विश्व की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता है 16,000 किलोमीटर। और वहीं चीन के डोंगफेंग 41 या DF-41 की मारक क्षमता है 15,000 किलोमीटर। इसके पश्चात ही यह मिनटमैन 3 मिसाइल है, जो कि 13,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। इसके पश्चात देखते हैं कि ध्रुवीय भालू पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये भालू 2100 ईस्वी तक विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका प्रमुख बिंदु क्या है? यह रिपोर्ट किसका था? तो प्रकृति जलवायु परिवर्तन पर एक पत्रिका है, उसने यह रिपोर्ट प्रकाशित किया था। उसका शीर्षक क्या है? तो वैश्विक ध्रुवीय भालू दृढ़ता के लिए भूख के मौसम की लंबाई और अस्थायी सीमा निर्धारित करती है। यानी कि वैश्विक भालू की दृढ़ता या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भूख की मौसम जितना ज़्यादा होगा, उसकी आयु, उसकी जो सीमा है वह निर्धारित करती है। इसके पश्चात देखते हैं कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ध्रुवीय भालू को विलुप्त होने के जोखिम के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या बताया गया है? तो जलवायु परिवर्तन। यद्यपि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में बर्फ जो है वो लगातार पिघल रहे हैं, जिसके कारण इनका जो प्राकृतिक आवास है वह विघटित हो रहा है। ध्रुवीय भालू के साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि न केवल ध्रुवीय भालू अपितु वॉलरस और सील भी इनके साथ विलुप्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं तो आर्कटिक समुद्री बर्फ का नुकसान ध्रुवीय भालू की प्रजनन और जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित करेगा। और आर्कटिक क्षेत्र की समुद्र की जो बर्फ है 1970 के बाद से 13% प्रति दशक की दर से घट रही है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आर्कटिक क्षेत्र की समुद्री बर्फ जो है 13% प्रति दशक की दर से घट रही है। इसके पश्चात देखते हैं विश्व लंग कैंसर दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को यह मनाया गया। शुरुआत किसने की थी?
तो अंतर्राष्ट्रीय लंग्स कैंसर सोसाइटी या अंतर्राष्ट्रीय फेफड़ा कैंसर सोसाइटी फोरम के द्वारा 2012 में इसे प्रारंभ किया गया था। कारण क्या है? तो अत्यधिक सिगरेट पीना, वायु प्रदूषण, रासायनिक एक्सपोजर, जेनेटिक म्यूटेशन, परिवार के इतिहास, फेफड़े के रोग भी फेफड़ों के कैंसर की जोखिम को पैदा करते हैं। FIRS या अंतर्राष्ट्रीय लंग्स कैंसर सोसाइटी कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लॉजन स्विट्जरलैंड में। इसके पश्चात देखते हैं परिवार पहचान पत्र। तो हाल ही में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार की निगरानी करना। इसमें क्या होगा? तो उस घर के या उस परिवार के मुखिया, उनका नाम, आयु, आय, संपर्क नंबर जैसे डेटा के साथ परिवार के क्षेत्र, शहर, जिला, गांव, तहसील, ब्लॉक और सारी जानकारियां इसमें रखी जाएंगी। इसके पश्चात देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का ISB पॉलिसी लैब का उद्घाटन किया गया है। यह क्या है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास बोर्ड के माध्यम से हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा राज्य के विभिन्न आर्थिक विभागों के साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह करेगा क्या? तो साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों को चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ISB पॉलिसी लैब नामक एक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो वित्तीय विकास और रोजगार सृजन पर विशेष एकाग्रता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, तथा COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था की जो हानि हुई है उसे पुनः प्राप्त करना और COVID-19 के विभिन्न चरणों के दौरान राज्य के विकास की निगरानी करना, यानी COVID-19 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था विभिन्न चरणों में यानी Unlock 1, 2, 3 में किस प्रकार से विकास कर रही है उसकी निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखते हैं AJO NEO। यह एक उपकरण है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता के द्वारा इसका विकास किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो नव जन्म लेने वाले बच्चों में बिलीरुबिन स्तर की गैर इन्वेजिव स्क्रीनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। विशेषता क्या है? यह बिना बच्चे को टच किए यह दर्द रहित उपकरण है, तथा बिना टच किए या किसी भी प्रकार का नीडल अंदर में डाले बच्चे का बिलीरुबिन स्तर यह उपकरण चेक कर सकता है। इसके पश्चात देखते हैं कि KBIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा ITBP ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे का तथ्य जो है वह महत्वपूर्ण है कि यह आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन प्रदान करता है। यह समझौता प्रमुख बिंदु क्या है? तो ITBP खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वह पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन है जिसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर होगा ITBP। अब हम देखते हैं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के विषय में क्या है। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका वर्तमान मुख्यालय है। आगे देखते हैं अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर, प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो UAE के अबू धाबी में इसका निर्माण किया गया है। इसका नाम क्या है? बराका परमाणु रिएक्टर। इसका विकास किसने किया है? तो अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का यह एक संयुक्त उद्यम है। बराका का अरबी में अर्थ होता है, सॉरी हिंदी में अर्थ होता है आशीर्वाद। रिएक्टर की क्षमता कितनी है? तो 1400 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। इसका उद्देश्य क्या है? अरब यह जो परमाणु रिएक्टर बनाया गया है इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? तो 2023 तक सभी 4 रिएक्टरों से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना,
तथा यह लगभग 5.6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो देश की 1/4 बिजली की देश की एक चौथाई बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जल्दी हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।